विधानसभा उपनिर्वाचन निमित्त 80 वर्ष वयसर ऊर्ध वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग भोटर मानक पोस्टल बैलेटर व्यवस्था कराई। जिलापाल समर्थ वर्मा पताका देखाई पोस्टल बैलेट गाड़ी शुभारंभ करिछन्ति। पोलिंग अधिकारी माने सेमानक घर को जाई मतदान करेबे। डेलंगा ब्लॉक 712 पिपली ब्लॉक 365 जन मोट 1077 जन मतदान सब्यस्त करेंगे। डेलंगा ब्लॉक 80 वर्षर ऊर्ध 614 एवं दिव्यांगर 98 जन एवं पिपली 295 जन वरिष्ठ नागरिक और 70 जन दिव्यांग सामिल अछन्ति। पूर्वर से मधर गत मे 3 तारीख में पोस्टल बैलेट मध्यम पिपली 63 और डेलंगार 75 जन मोट 138 जन ठारु मतदान निया सारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजिठारु 5 दिनिया आमेरिका गस्त आरंभ करिसेंति। आमेरिकारे मोदी जातिसंघ साधारण परिषदरे उद्बोधन देबे। एहा पूर्वरु क्वाड सम्मेलनरे प्रधानमंत्री जोगदेबे एवं आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनको सह द्विपाक्षिक कथाबार्ता करिबे। बाइडेन आमेरिका राष्ट्रपति हेबा परे एहा मोदीक प्रथम आमेरिका गस्त। पूर्वरु 3 थर मोदी बाइडेनको मध्ये वर्चुअल साक्षात होइतिला। मोदीक सह आज एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल तथा विदेश व्यापार मंत्री एस जयशंकर एवं जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल गस्त करिसेंति। आमेरिका गस्तरे बाहरिबा पूर्वरु मोदी आज एक बिबृति जारी करी कहिसेंति आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को निमंत्रण क्रमे मु आमेरिका गस्त करछि। कोरोना महामारी आतंकवाद निरोध जलवायु परिवर्तन एवं अन्य गुरुत्वपूर्ण विषयवस्तु उपरे यूएनजीए बैठक रे गुरुत्वारोप करिवे बोली मोदी कहिसेंति। एहि गस्त रणनैतिक संपर्क सुदृढ़ करिवार एक सुजोग बोली मोदी कहिसेंति। सेप्टेम्बर 24 रे मोदी बाइडेन को सह द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। उपराष्ट्रपति कमला हरिशको सह मध्य मोदी द्विपाक्षिक बैठक करिवे बोली जणा पडिछि। चलित सेप्टेम्बर मासरे बंगोपसागर लगातार लघुचाप सृष्टि हेबारे लागिछि। एही मासरे पूर्वरु 2 लघुचाप सृष्टि होइसैथिबा बळे चलित सप्ताह रे आउ 2 लघुचाप सृष्टि हेबाकु जाउछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि गोटिए समय रे ही एही 2 लघुचाप सृष्टि हेबो। घरै पाणिपाक संस्थास क्लाइमेट पूर्वानुमान अनुसारे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आसंता 24 तारिख संध्या रे गोटिए लघुचाप सृष्टि हेबाकु जाउछि। एही लघुचाप संपर्क रे भारतीय पाणिपाक विभाग मध्य पूर्वरु सूचना देइ सारिछि। एही लघुचाप उत्तर ओडिशा उपकूल रे स्थल भाग अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। मांचेसर युनाइटेड को विपुल परिमाण रो अर्थ रे स्थानांतर होइथिबा क्रिस्टियन रोनाल्डो विश्वर सर्वाधिक आयकारी फुटबलक तालिका रे लियोनेल मेसी को पछकु ठेली दैछन्ति। फोबर्स द्वारा बुधवार प्रकाशित सद्य मान्यता तालिकारु एहा प्रमाणित होइ जाइछि। 2021-22 ऋतु रे टिकस पूर्वरु पोर्तुगाल तारका रोनाल्डो को आय 125 मिलियन डॉलर रे पहुंचि जाइछि। सेथिरे मांचेसर युनाइटेड को फेरिबा परे भत्ता एवं बोनसरु 70 मिलियन डॉलर अंतर्भुक्त रहिछि। एहा व्यतीत एही 36 वर्ष वयस्क फुटबलर व्यावसायिक चुक्तिरु अवशिष्ट 55 मिलियन डॉलर आय करिवे। फुटबलर भावे रोनाल्डो सर्वाधिक व्यावसायिक आयकारी होइथिया बेले केवल अन्य 3 सक्रिय क्रीडाविद तांकठारु अधिक व्यावसायिक आय करछन्ति। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बाथिबा उपनिर्वाचन पई जोरदार प्रचार आरंभ करछन्ति। सेप्टेम्बर 30 रे धार्य होइतिबा भवानीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन रे तांको ही वोट देबाकु से लोकंको अपील करछन्ति। वर्षा हेउतिले भी वोट देबाकु जीव मु न जितिले आउ के मुख्यमंत्री होइ जीव बोली कहिछन्ति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इकबालपुर रे प्रथमे निर्वाचन बैठक करी दीदी कहिछन्ति जे वर्षा हेले भी वोट देबो जदि मु गोटिए भी वोट न पाए तबे ताहा मो उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। मोर विजय निश्चित बोली भाभी घरे बसि जीव ना जदि तुम्हें मत मुख्यमंत्री भाव देखा चाहछ तेरे तुम मानक मत भोट देवाक पड़ो। प्रत्येक भोट मोपाई गुरुत्वपूर्ण जदि मु जिते ना आमर संख्यागरिष्ठ थी अगर कई मुख्यमंत्री हो। कवि सूर्यनगर निर्वाचन मंडली अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक परिसर में मिशन शक्ति आनुकूल्य ब्लॉक लेवल मेगा समन्वय मेला अनुष्ठित हो। अवसर में विभिन्न स्वयं सहायिका गोष्ठी महिला मानक ऋण प्रदान सह सरकार विभिन्न योजना संपर्क में अवगत कार्यक्रम में गंजाम जिलापाल विजय अमृत कुलांगे खलिकोट विधायिका सूर्यमणि वैद्यों समेत कवि सूर्यनगर विधायिका लतिका प्रधान उपस्थित थिले। गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक रो बुरातल अंचल रे जने युवक झरणा पानी रे फसी जाई मृत्युबरण करिछि। मृत जनक हेले 27 वयस्क सोमनाथ रोहित। गतकाली बुरातल रे साप्ताहिक हाट थिबा जोंगु युवक जनक किछि किणीबाकु आसी फिरुतिबा बेले झरणा नदी रे गोड़ खसी से निखोज हो जाइथिले। ग्रामवासी बहुत खोजाखोजी करबा परे आजि तांगर मृतदेह मिलिछि। तेबे एही नदी उपर एक ब्रिज पई दीर्घ दिनरु दाबी होई आसुथिले सुधा ताहा निर्माण होइनाय। सेपडे प्रशासनिक अवहेला हेतु दायी करी अंचल त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में भोट गणति आउ मतदान केन्द्र रे हेबनी। सारा ओडिशा रे ब्लॉक मुख्यालय रे गोटे दिन रे भोट गणति हेबो। एने पंचायतराज व्यवस्था आईन रे थिबा नियमावली रे आवश्यक संशोधन करा जाइछि।
ଗତ 18 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏନେଇ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ବା ଇଭିଏମ୍କୁ ସିଲ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ହରିୟାଣାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ହରିୟାଣାର ସୋନିପତରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଛି। ସକାଳ 11 ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସ୍କୁଲ ହଲ୍ ଛାତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ହଲ୍ରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କାର୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ସହିତ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ କାର୍ରୁ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମୋଟୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର କଟକ ରାଣୀହାଟସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 10 ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।